जाने कब किस रूप में आए मैया जी दर पे, दो नैनों की ज्योत जलाकर चौखट पे रख दे। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने कानून। कानून सबूत का सहारा लेकर इंसाफ करता है और सबूत है इंसान के हाथ। इंसान झूठा तो इंसाफ झूठा, इंसान सच्चा तो इंसाफ सच्चा।
बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब जो आप मुझसे मिलने आए। बोलो क्या बात है। सिर्फ आपकी गवाही मुझे सजा दिला सकती है, बाकी की कहानी मैंने बदल दी है। मैं समझा नहीं। वो लड़की मेरा पर्स चुराकर भागी, मैंने उसका पीछा किया, उसे पकड़ लिया, हाथ छुड़ाकर वो फिर भागी। सामने से एक टैक्सी आई, वो टकरा गई। टैक्सी ड्राइवर मेरा दोस्त इस कहानी को सच बनाने की गवाही देने के लिए तैयार है। पुलिस को मैं संभालूंगा और वो बेचारी लड़की, वो तो बोलने के काबिल ही नहीं है। बस सिर्फ आप हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर गीता की कसम खाकर मैं झूठ बोलूं? हर्जी क्या है वकील साहब, आपके सच बोलने से मेरे जिंदगी के कुछ साल बर्बाद हो जाएंगे और फिर असली सच तो आप भी नहीं जानते। उस लड़की के किस्मत में जो कुछ लिखा था बस वही हुआ। बड़े अफसोस की बात है कि तुम एक इंसान को इंसान नहीं समझते। मैं भी तो एक इंसान हूं वकील साहब। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक दरिंदे जानवर हो, समाज के लिए बीमारी हो। सोच लो वकील साहब, कहीं ये बीमारी समाज की बजाय आपको न लग जाए। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जी नहीं, पटाने की कोशिश कर रहा हूं। माना कि तुम बहुत बहादुर हो, डरोगे नहीं। रकम कितनी लोगे? 10,000। रघुवीर सिंह वल्द परमवीर सिंह को कुमारी रानी वर्मा वल्द राज वर्मा के साथ बलात्कार करने और पुलिस पर हमला करने के जुर्म में जेर दफा 332, 354, 363 और 366 ताजिरात हिंद के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। जानते हो आज क्या तारीख है? घर में अखबार आता है, कैलेंडर्स भी बहुत हैं, मैं केस में बहुत बिजी हूँ। मम्मी
और डैडी शादी की सालगिरह मुबारक हो। शाम को पापा मम्मी को कहाँ ले जा रहे हैं? और हाँ, कोई तोहफा दिया मम्मी को? या अभी तक वो शादी की पहली सालगिरह पर जो अंगूठी दी थी उसी से काम चला रहे हो? हिनानाथ, देर हो रही है, जरा जल्दी नाश्ता लगाओ। अरे वाह, इतनी सज संवर कर कहाँ जा रही हो आज? हाँ, सजने संवरने के लिए क्या कहीं जाना जरूरी होता है? देखो, सवाल के ऊपर सवाल सुनकर हम वकील लोग अक्सर गवाह को भी डांट दिया करते हैं, समझी? लाओ लाओ, चलो। ना ये आपकी अदालत है और ना मैं आपके किसी केस की कोई गवाह हूँ, और जो हूँ उसका एहसास आपको आजकल जरा कम है। शाम को जल्दी आ रहे हो ना? क्यों, ये क्या सवाल पे सवाल नहीं हुआ? हाँ, सवाल पर सवाल तो है, लेकिन डार्लिंग तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें तो हुक्म चलाने का हक है, तो फिर पूछती क्यों? ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। अच्छा, कोशिश करूंगा। कहते हैं राजा दुष्यंत अपनी शकुंतला को प्यार की निशानी देकर भूल गए थे, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। ये अंगूठी हमारे प्यार को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेगी। प्यार की निशानी। आपके बेटे प्रेमो को इनके फैक्ट्री के मालिक ने भाड़े के गुंडों से पिटवाया था। हाँ जी। और फिर डॉक्टर कमल के नर्सिंग होम में ले जाकर इनका इलाज करवाया था, लेकिन रजिस्टर में इनका नाम नहीं था ताकि इन्हें फैक्ट्री में आग लगाने के जुर्म में फंसाया जा सके। यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है वकील साहब। ये कमाता है तो दो रोटी खाने मिल जाती है। मैं सजा से बहुत डरता हूँ वकील साहब, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। अरे हटो रास्ते से, मैं बेकसूर हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम आओ लालचंद, बैठो। जब मैंने आपसे टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट ली थी तब आपने ये नहीं कहा था कि ये मोहतरमा भी यहां रहेंगी। देखो लालचंद, जस्ट अ मिनट, अगर तुम्हारे बजाय तुम्हारा वकील आता तो मैं उससे अकेले में बात करता, लेकिन क्योंकि चंपा ने तुम्हारे खिलाफ ये केस किया है तो इस सिलसिले में मैं तुमसे अकेले में बात नहीं कर सकता। ये हमारे पेशे का उसूल है। देखो मिस्टर गौतम, मेरा माना कि मैं इस औरत के बच्चे का बाप हूं, लेकिन आप साबित कर सकेंगे? तुम्हें शक है कि मैं साबित कर दूंगा, इसलिए तुम मुझसे मिलने आए हो। काम की बात करो। मैं काम के लिए नहीं, इसके लिए आया हूं। लालचंद, कानून के हिसाब से तुम क्या कर रहे हो तुम खुद नहीं जानते। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तुम यहां से चले जाओ। हाँ भाई, इसके वकील हो ना, मेरे भले की कैसे सोच सकते हो? मैं सोच नहीं रहा हूं, कह रहा हूं, यहां से चले जाओ। चला जाऊं? हाँ चले जाओ। सुनो, ये रुपए लेते जाओ, जब केस हार जाओगे तो बच्चे की परवरिश के लिए काम आएंगे। कोर्ट में समझ लूंगा। मिस्टर मेहरा, माना कि हर केस आप बड़ी आसानी के साथ जीत जाते हैं, मगर मिस्टर लालचंद के केस का असली गांव ऊपर वाला है और वही आपको ये केस जितवा सकता। एनीवे, मैं द बेस्ट लॉयर विन। ओके राजेश जी, शहद की बॉटल लाए हो? हाँ जी लाया हूं। मिस्टर अमर सिंह, मिस्टर अमर सिंह। हाँ जी, हाँ जी साहब। ढंग से खड़े हो यार। आप इस औरत को जानते हैं? हाँ, हाँ? 3 साल पहले की बात है वकील साहब। अच्छा। हाँ, हाँ, हम झूठ मूठ बहाने बनाकर हमारी बीवी सेवा सबरा से मुंबई में आया करता था सिर्फ इस औरत के साथ लीला लहर करने के लिए। ये लीला लहर? रात बिताने के लिए। अच्छा, हाँ, अच्छा। क्यों, कैसी है भाई जी? मिस्टर अमर सिंह, हाँ जी, ढंग से खड़े रहिए। हाँ जी, आप इस औरत के साथ रात कैसे गुजारते थे? मेरा मतलब है कि रुपया पैसा देकर या दोस्ती के नाते? बापू की सौगंध वकील साहब। बापू?
हाँ बापू की सौगंध मतलब वो बापू नहीं है तो मेरे बापू की आदत है मेरे को। हाँ जी हाँ जी, बापू की सौगंध वकील साहब। भाई बंदी तो इस दुनिया में सिर्फ नाम की खातिर है। अच्छा। हाँ बाकी तो हर चीज में फदिया की जरूरत पड़ती है। ये फदिया? फदिया मतलब पैसा पैसा। अच्छा पैसा। हाँ, हाँ। आप भी तो अपने घर से पैसा लेकर ही मुझसे सवाल पूछते हैं ना। ऑर्डर ऑर्डर। योर विटनेस प्लीज। हाँ हाँ। नो क्वेश्चन योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर मिश्रा आप इस औरत को जानते? विद्वान वकील साहब, पकड़ू लाल मिश्रा के साथ जो नारी एक दफे सत्संग कर ले उसको हम अच्छी तरह पहचाने तक कहो तो एक बदन बका निशानी है बताई का। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। चंपा बाई, तुम्हारा ये दावा है कि तुम्हारा बच्चा मेरे मुवक्किल मिस्टर लालचंद जी का है? जी हाँ। चंपा बाई, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? जी नहीं। That's it, your honor! ये बात साबित करने के लिए कि ये औरत धंधा करने वाली एक पेशावर तवायफ है, मैं और भी बहुत से गवाह पेश कर सकता हूं, मगर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। मैं तो एक ही बात जानता हूं योर ऑनर, कि मेरा मुवक्किल मिस्टर लालचंद एक बाउसूल, एक इज्जतदार और एक रईस शहरी, और उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस औरत ने सफेद झूठ बोलकर उसे अपने बच्चे का बाप साबित करने की कोशिश की। लेकिन योर ऑनर, किसी बात को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है, एविडेंस, और मिस चंपा बाई के पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे कि यह साबित हो कि मेरा मुवक्किल मिस्टर लालचंद उस बच्चे का बाप है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लालचंद जी, ये समाज सेवा और समाज सुधार आपका पेशा है या शौक? दोनों ही। क्या ये सच है कि आज से 3 साल पहले आपने इस औरत से जिस्म बेचने का धंधा छुड़वाया था? जी हाँ। ये नेक काम आपने कैसे किया? जी क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि घर पर बैठकर तपस्या करने से तो ये काम नहीं हुआ होगा, आप मिले होंगे, कुछ वक्त गुजारा होगा। जी हाँ, 3 महीने लगातार मैं रात दिन इस औरत के साथ रहता था। दिन रात? मेरा मतलब है सुबह से शाम तक। अच्छा अच्छा। वैसे आप उनके साथ जहाँ वक्त गुजारते थे कौन सी जगह थी? मेरा मतलब है कोई खुली जगह थी या मकान? ये कमरे में। कमरे में? हाँ। तो कमरे में कौन कौन होता था? हम दोनों होते थे और कौन होता? सिर्फ आप दोनों? जी। और फिर आप रातें कहाँ गुजारते थे? रातें मैं अपने घर में गुजारता था। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। ओ, तो आप शादीशुदा भी हैं? जी हाँ, 2 बच्चे भी हैं मेरे। क्या सबूत है कि बच्चे आपके हैं? I object, Your Honor. You cannot object, sir. आपने मेरे क्लाइंट से पूछा था कि क्या सबूत है उसके पास वो बच्चा लालचंद का है। मैं लालचंद से पूछता हूँ क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो 2 बच्चे तुम्हारे हैं? मेरे सवाल का जवाब दो लालचंद। बड़ा वाहियात सवाल है। सबूत यही है कि मेरी बीवी कहती है कि बच्चे मेरे हैं। ये तो चंपा भी कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है। चंपा झूठ बोलती है। तुम्हारी बीवी सच बोलती है, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? योर ऑनर, दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल है। ये इंसान चंपा के बच्चे का बाप है, ये चंपा जानती है, मैं महसूस नहीं। नहीं योर ऑनर, मैं जानता हूं, इसका सबूत है मेरे पास, मैं सच्चाई को साबित कर सकता हूं। चंपा, बच्चे को लेकर आओ। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग लालचंद जी को जरा गौर से देखिएगा। अब इस बच्चे के होठों को, उसकी जबान को देखिए। योर ऑनर प्लीज। मैं मानता हूं योर ऑनर, बच्चा मेरा है,
ये बच्चे के होठों पर शहद लगाने का आइडिया कहाँ से आया? देखो, थैंक यू। तुम ये नहीं जानना चाहते, थैंक यू, कि आइडिया कहाँ से आया। तुम ये जानना चाहते हो कि बच्चे के होठों पर शहद लगाना कानूनी तौर पर सही था? यस सर, थैंक यू फॉर रीडिंग माय माइंड। थैंक यू। देखो, कानून सच्चाई के लिए सबूत पर ध्यान देता है, सबूत की सच्चाई पर नहीं। थैंक यू वेरी मच। और फिर हमने क्या किया? झूठ का सहारा लेकर सच को सच साबित किया। और तुम्हें याद है, लालचंद ने खुद कबूल किया था ऑफिस में कि बच्चा उसका है। हाँ, है ना? बाय। ओके बाय। वाह 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 मेरा साहब, कमाल कर दिया, मुबारक हो। आप तो केस पर केस ही जीतते जाते हैं। कितने केसेस हैं आपके पास, कभी एक आध केस इन छोटे मोटे वकीलों को भी। जरूर जसवंत लाल, मैं जरूर कोशिश करूंगा। अब मैं जरा चलता हूँ, वरना ट्रैफिक जाम में फंस जाऊंगा। प्लीज जरूर। हाँ, बाय बाय। थैंक यू डैडी। आप? हाँ अंजू, आज के दिन को मैं 13 साल से नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आज नहीं कर पाया। सोचा चल के बेटी के सब गिले शिकवे दूर कर दूं। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटी। थैंक यू डैडी। अंदर आइए ना। चलो। डैडी बैठिए ना। नहीं आज जल्दी में हूँ अंजू। वैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे दामाद आज शादी की सालगिरह पे अदालत की खाक छान रहे हैं। नहीं, उनको कुछ जरूरी काम था इसलिए। अच्छा देखो, मैंने अपनी जिद तोड़ दी, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आज रात का खाना मेरे साथ खाना होगा। नहीं, आज तो उनके साथ कहीं डिनर। अच्छा तो कल से ही? नहीं, कल से लेकर 7 दिन तो रक्षा के हैं और वो पंचकनी में। तो ठीक है, ठीक 8वें दिन मैं तुम्हारा इंतजार रात को खाने पे करूंगा। डैडी इतनी जल्दी में क्यों, चाय तो पीते जाइए। नहीं बेटी, तुम तो फैक्ट्री की प्रॉब्लम्स को जानती हो, और आज तनख्वाह का दिन भी है, अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो वर्कर झंडे उठा के खड़े हो जाएंगे। और वैसे भी अगर तुमने मेरी मर्जी से शादी की होती तो आज ये सारा कामकाज मेरा दामाद संभालता। दिखता नहीं आपको आगे गाड़ी खराब है? सावन साहब, आप सच कहा है, किसी ने जिसे हम पागलपन कहते हैं वो हरकत या तो कोई बहुत ही अकलमंद करता है या कोई बेवकूफ कर सकता है। अगर हॉर्न सुनकर तुम यहां नहीं आते तो मैं आगे चल के तुम्हारी गाड़ी ठोक देता। आप मेरी गाड़ी ठोक देते किस लिए भाई? भाई आज रात को मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें मुबारकबाद देने नहीं आ सकूंगा। मुबारकबाद? इसलिए। अरे तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, ये लो। ओह गॉड, मर गए आज सुबह, इसलिए आज यही मुबारकबाद दे देता। इसलिए अरे सुनो। अरे शुक्रिया दोस्त, मुबारकबाद कहने बल्कि याद दिलाने का। अरे मर गया, अरे आज तो मर गया मैं, मेरी बीवी तो। मैं याद ही नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। खैर थोड़ी देर हो जाएगी शायद, दिल बहलाने के लिए फूल भेज रहा हूं। देर शायद ज्यादा हो जाए, फूल सामने होंगे तो समय जल्दी कट जाएगा। भाई देर शायद बहुत ज्यादा हो जाएगी, फूलों की महक गुस्से पर काबू रखने में मदद करेगी। बारहवो 13वां, ये शादी की 13वीं साल मुबारक। सॉरी,
जानती हूँ मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन इस बार मैं नहीं हंसूंगी। जानते हो कल डैडी आए थे। अच्छा, किस खुशी में भाई? हमें मुबारकबाद देने। वो भी आज अब 13 साल के बाद। हाँ, कह रहे थे उन्होंने अपनी जिद तोड़ दी। गुड। और पता है, पंचगनी की वापसी पर हमें खाने पे भी बुलाया। जरूर कोई मतलब होगा। चलो ऐसा ही सही, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी खातिर जाना ही होगा। तुम्हारी खातिर जरूर जाएंगे साहब, लेकिन कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हेलो मम्मी। हेलो बेटे, हाउ आर यू? फाइन मम्मी। पापा कहाँ है मम्मी? वो एक काम में फंस गए थे इसलिए नहीं आ सके। मैं ड्राइवर को लेके आई। खुद कार चला लेती है, फिर ये ड्राइवर क्यों? इतना लंबा सफर था बेटे, और मुझे अकेले आने में डर लग रहा था, और फिर ये ड्राइवर मुझे पसंद भी है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ड्राइवर। क्यों? जो ड्राइवर पापा की जगह आया हो वो मुझे कैसे पसंद आ सकता है? बम्बई जाकर मैं 7 दिन तक पापा से बात नहीं करूंगी। चलो ड्राइवर। मम्मी, कैसा ड्राइवर है ये जो आपके कहने पर भी नहीं चलता? नहीं चलेगा ये ड्राइवर, यहाँ से बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक जब तक छोटी बीवी सामने आकर हमारे दोनों गालों पर एक एक किच्ची नहीं करेगा। बड़ा बदतमीज है ये। एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है और ये ड्राइवर किसी मांग रहा है। मम्मी, आप क्यों नहीं गाड़ी चलाती है? अब ये अपनी जगह से हटेगा नहीं तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? बेटा, आप जल्दी से इसको किसी दे दो, नहीं तो ये मुझसे किसी मांगेगा। हाँ, वो तो हमारी तनख्वाह है। पापा, आपका मजाक हमेशा रुलाकर हंसाता है। नहीं बेटे, रुलाने से पहले हंसाता है। मेरा साहब, बंबई से राजेश का फोन आया था, कल केस की तारीख है। देखो देखो अंजू, अगर तुम जिद करोगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं नहीं गया तो किसी बेगुनाह को सजा हो सकती है। तुम्हारा जाना भी तो हम लोगों के लिए सजा ही है, और हमारा कसूर क्या है? ये कि हम साल में 7 दिन मांगते हैं तुमसे, और मेरे लिए तो आईने अपनी बेटी के लिए आया, अब समझाओ उसी को। हेलो, हाँ राजेश, मैं गौतम बोल रहा हूँ। देखो मैं कल नहीं आ पाऊंगा। हाँ हाँ, कल नहीं आ पाऊंगा। और सुनो, तुम ऐसा करो, अपना वो एडवोकेट जसवंत लाल है ना, उससे कहना कि मेरा केस अटेंड कर ले। हाँ, प्रेमो वाला। हाँ, समझ गया। ओके ओके। पापा, आप पहले भी कभी इस लेक पे आए हैं? हाँ बेटे, बहुत पहले आया था। इसी तरह मैं बड़ा बिजी हुआ करता था, लेकिन तुम्हारी मम्मी ये नहीं समझती ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। इन्होंने धाड़ से अपना प्रोग्राम बना लिया, और फिर हम तो जोरू के गुलाम है ही, यहाँ पहुंच गए। हाँ, उस दिन कौन सा गाना बज रहा था? वो क्या गजल थी रेडियो पर? रंजिश ही सही, दिल दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आखिर से मुझे
वाह क्या ख्याल है, बहुत अच्छे, रंजिश सही। जब रक्षा की शादी हो जाएगी तब क्या करोगे हैं? चलो चलो हट जाओ साहब, हट जाओ। राजेश क्या बात है? सर वो प्रेमू को 5 साल की कैद हो गई। आई आई मिस्टर मेहरा। ये रही आपकी फीस, मेरी गैर हाजिरी में मेरे केस की पैरवी करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मेहरा। यू सी आई ट्राइड माय बेस्ट। नो मिस्टर जसवंतलाल, यू डिड नॉट। अगर एक बेगुनाह इंसान को अदालत में इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका क्लाइंट बेगुनाह था? मेरा क्लाइंट हमेशा बेगुनाह होता है। मैं झूठे केस नहीं लेता। अदालत में झूठ को सच साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सच को सच साबित करना होता है, और वही तुम नहीं कर सके। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं मिस्टर मेहरा। 5 साल की सजाई तो हुई है, कोई आफत तो नहीं आ गई? लोगों को कितनी ही सजाएं होती रहती हैं। अरे आप क्या समझेंगे मिस्टर जसवंतलाल, एक 19 साल का मासूम बेगुनाह लड़का जिसे सजा के नाम से डर हो, खौफ हो, दहशत हो, अगर उसे जेल में डाल दिया जाए तो वो एक फर्स्ट क्लास क्रिमिनल बनकर बाहर निकलेगा, जो पुलिस का दुश्मन होगा, समाज का दुश्मन होगा, कानून का दुश्मन होगा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? डैडी के यहाँ डिनर पे जाना है। मैं नहीं जा सकता, तुम चलियो। क्यों? क्योंकि तुमने, तुम्हारी जिद ने, तुम्हारी मांगों ने मुझे खुद अपनी नजरों से गिरा दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे उस रात बंबई ना आने की वजह से एक मासूम को 5 साल की सजा हो गई। ये मेरे पेशे पर एक धब्बा है और मेरी आत्मा पर एक बोझ। अजीब आदमी हो तुम, जरा सी बात को अगर कल पे टाल दोगे तो कुछ बदल तो नहीं जाएगा? ये जरा सी बात नहीं अंजू, मैंने अपनी बेटी और बीवी की खुशियों के लिए गरीब परिवार की खुशियों में आग लगा दी है। मुझे आज रात तक उसे छुड़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। अपने मन को अदालत बनाकर इस तरह के फैसले करना बंद क्यों नहीं कर देते? प्लीज अंजू, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे बहुत काम है। तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। और मैं वहां से वापस कैसे आऊंगी? तुमको अच्छी तरह मालूम है डैडी के पास ड्राइवर नहीं है। रात वहीं रुक जाना, मैं दफ्तर से लौटते वक्त तुम्हें ले आऊंगा। और डैडी पूछेंगे तो क्या कहूंगी? कह देना कि मैं बीमार हूं। कानून और इंसाफ की दुहाई देने वाला आदमी अपनी पत्नी को झूठ बोलना सिखा रहा है। हमारे दामाद के लिए अदालतें रात को भी खुली रहती हैं क्या? नहीं डैडी, वो किसी काम में फंसे हुए। इस काम का फंदा बना के कहीं वो इस रिश्ते का गला तो नहीं घोट रहा जिसे तुम लोग लव मैरिज कहते हो? छोड़िए ना डैडी, अब 13 साल के बाद इस टॉपिक को छेड़ के क्या फायदा? क्या करूं बेटी, जख्म है जो वक्त भर नहीं सका। काम हो गया चाचा,
हो गया। नमस्ते डैडी। हेलो गौतम, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अंजू कहाँ है? शॉपिंग गई है, अभी आती होगी। आओ एक एक ड्रिंक हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। आइए। मेरी फैक्ट्री में एक मजदूर है जिसे मैंने कुछ दिन पहले निकाल दिया था, वो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस करने चला है। मैं चाहता हूं कि तुम इस केस में मुझे रिप्रेजेंट करो। डैडी, क्या वो मजदूर जो मांग रहा है वो जायज है? बिजनेस में जायज नाजायज नहीं होता है, बिजनेस इज बिजनेस गौतम। वो मुझे तंग कर रहा है, मेरी बिजनेस में रुकावटें डाल रहा है। उसकी मांग 20,000 रुपए है। मैं चाहता हूं तुम कोर्ट के बाहर ही उसे 5-7 हजार में पटा लो। डैड, आपके पास उस मजदूर का नाम पता वगैरह तो होगा? हाँ, सब कुछ इस फाइल में है। मैं उस मजदूर से मिलूंगा जरूर, लेकिन जहां तक केस का सवाल है, मैं आपकी तरफ से उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसकी तरफ से आपके खिलाफ लड़ूंगा। क्योंकि जिस मजदूर ने आपसे लड़ने की ठान ली है, मेरी जरूरत उसको है, आपको नहीं। गौतम, अगर तुम मेरे दामाद नहीं होते तो अभी धक्के मार मार के तुम्हें इस घर से निकाल देता मैं। अगर आप मेरी पत्नी के पिता ना होते तो मैं जिंदगी भर आपकी शक्ल नहीं देखता। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि तुमने कहा था तुम मुझे यहां से ले जाओगे। मैं उस घर के अंदर जिंदगी में कभी भी कदम नहीं रखूंगा अंजू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बगैर इस घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी तो? अंजू, तुम जानती हो तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्या कहा। और फिर भी तुम? गौतम, मैं ये तो नहीं कह रही ना कि तुमने डैडी से क्या कहा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अंजू जिद मत। गुड मॉर्निंग मैम साहब, साहब ने रक्षा बेटी का लेटर भेजा है। और कुछ नहीं कहा? जी कुछ नहीं। जुदाई का सबब हम तू मुझसे खता है।
मैम साहब, मैं 6:30 बजे तक रक्षा को घर लेकर आ जाऊंगा। अपने पति की खातिर ना सही, अपने घर की खातिर ना सही, अपनी बेटी की खातिर तो चले आओ। साहब से कुछ कहना है? नहीं। मुझे पहचाना वकील साहब? आज से 6 साल 8 महीने 2 दिन 40 मिनट और 32 सेकंड पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। रघुवीर सिंह उर्फ रघु। वाह, आपको तो उर्फ तक याद है। ठीक ही सुना था, वकीलों की याददाश्त बहुत तेज होती है। बहुत मायूसी होती अगर मुझे अपना नाम आपको बताना पड़ता। तो चाहते क्या? चाहना क्या है वकील साहब, अपनी सूरत दिखाना चाहता था, आपकी देखना चाहता था। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं तो काफी बदल गया हूं, मगर आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, एकदम फिट। चाबी दो। क्यों नहीं, आप ही की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी अपनी सजा के जिम्मेदार मुझे ही समझ रहे हो? इसमें शक की क्या बात है, यही तो मैं आपको याद दिलाने आया हूं। मुझ पर लगे हुए इल्जाम को जुर्म साबित करने वाली गवाही आप ही ने दी थी। मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं वकील साहब। कहीं ये धमकी तो नहीं? छी छी छी, कानून जानते हुए भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। किसी को कोई चीज याद दिलाना कानून की निगाहों में धमकी तो नहीं होता। वाह 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 वाह, ये दुनिया आज भी उतनी रंगीन है जितनी मैं छोड़ गया था। अपनी बीवी और बच्चे को प्यार देना ना भूलना वकील साहब। मम्मी क्यों नहीं आए पापा? मम्मी बेटा, वो मम्मी जरा काम में बिजी थी ना, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाडली को घर पर ही मिल लूंगी। ऐसा तो पहले कभी नहीं किया मम्मी ने। अरे, गाड़ी का टायर तो पंक्चर हो गया। ऐसा करते हैं, हम लोग टैक्सी में चलते हैं, मैकेनिक को भेज देंगे, वो गाड़ी ले आएगा। हाँ, चलो। ओके पापा। गोल्डी, गोल्डी, अरे ये क्या कर रहा है? अरे ये मेरा बैग, मेरा बैग। मम्मी। हेलो बेटा। अरे मम्मी कैसी हैं आप? अच्छी। आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? अरे गोल्डी मेरा बैग तो देते जा। कितना बदमाश हो गया, देना बैग दे। कहाँ जा रही हो? आज से मैं अलग सोऊंगी। क्यों? इसलिए कि तुमने मुझे अपनी चाहत के बिना पर नहीं बल्कि रक्षा के लिए यहां बुलाया है। जब तुम अपना अभिमान नहीं तोड़ सकते तो मैं अपना स्वाभिमान क्यों तोड़ूं? वैसे भी अब बचा ही क्या है जिसके तहत तुम मुझे या मैं तुम्हें अपना कह सकूं? आज अगर रक्षा न होती तो मैं यहां कभी नहीं आती। तो मैं किसका शुक्रिया अदा करूं, तुम्हारा या रक्षा का? क्या बात है दीनानाथ, कौन है? साहब कोई मैकेनिक आया है। ठीक है,
हाँ डिसूजा, गाड़ी ठीक हो गई? साहब मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। पंचर तो नहीं था लेकिन किसी ने टायर की हवा निकाल दी थी। पंचर नहीं था जी, किसी ने गाड़ी की हवा निकाल दी। एक सवाल पूछूं, क्या आप उसका सही जवाब देंगे? हाँ। मम्मी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप उसका जवाब देंगी? हाँ, अगर सवाल जवाब देने लायक होगा तो जरूर दूंगी। तो ठीक है, आप दोनों अपनी रक्षा बेटी के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। चलो हम खाते हैं। आप मम्मी, पहला सवाल आपसे पापा। पहले जब मुझे आपका लेटर मिलता था तो एक ही लिफाफे में आपकी और मम्मी की चिट्ठियां हुआ करती थी, मगर चार महीने से मुझे आप दोनों की चिट्ठियां अलग अलग मिलने लगी। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ मम्मी, क्या आप बता सकती हैं, पहले तो आप दोनों अलग अलग नहीं बैठते थे लेकिन अब ये दूरी क्यों? आप दोनों चुप क्यों हैं, जवाब क्यों नहीं देते? बेटे वो कह के हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे लेकिन आप पहले ये बताओ कि आपके मन में सवाल आया कैसे? पापा, मेरी एक क्लासमेट है पिंकी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। उसके मम्मी डैडी उससे मिलने के लिए आते थे लेकिन अलग अलग, क्योंकि वो रहते ही अलग अलग थे। और मम्मी पापा, मुझे अलग अलग कुछ भी पसंद नहीं, कुछ भी पसंद नहीं। अरे यार गौतम, तुम्हारा भी जवाब नहीं, जरा सी बात से घबरा गए। नहीं सावन साहब, बात इतनी से नहीं है। फिक्र ना करो, शक में हम किसी को भी 10-15 दिन के लिए अंदर कर सकते हैं, और फिर ये तो सजा याफ्ता है, हम इसे महीने डेढ़ महीने के लिए तो अंदर कर ही देंगे। इससे मसला हल नहीं होगा। क्यों? मुझे लगता है ये एक रिवेंज स्टोरी बनती जा रही है। क्या मतलब? आज से करीब 7 साल पहले एक रात मैं टेलीफोन करने के लिए मलाबार हिल पर रुका। तीन महीने अस्पताल में रहने के बाद
आज 7 साल से पागलखाने में है। ओह, आई सी। और अब वो जेल से रिहा होकर तुमसे बदला लेना चाहता है। वेल, उसकी हरकतों से तो कुछ ऐसा ही लगता है। उसने कोई ऐसी हरकत की है जिस पे हम कोई एक्शन ले सकें? नहीं। तब तो हम शक में उसे गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन कब तक? सावन साहब, मैं तो सिर्फ ये बात आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि उसका अंजू और रक्षा की तरफ देखने का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मैं उसे अपने दफ्तर में बुलवाता हूँ और धमकी दे के किसी न किसी बहाने से उसे शहर से बाहर निकलवा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आजकल अपनी जिंदगी में 3-3 का ही आंकड़ा है चाचा। खेल में भी 3 पत्ते और जिंदगी में भी 3। ये जिंदगी में 3 क्या रघु? एक भावरा है, एक फूल है और एक कली है, एक और ब्लाइंड। आई एम पैक। तो इस बाजी में फैसला हो ही जाएगा। अगर तुम जीते तो तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी और अगर हम जीते तो खैर एक चाल मेरी। रघु, पत्तों से तकदीरें बदलती हैं। ऐसा क्या चाचा? तो फिर 25 से शो कर दे। ये बाजी मैं किसी भी हाल में हारना नहीं चाहता। तुम्हारा नाम रघुवीर सिंह है? हो सकता है। हमारे साथ चलो, उठो। हाथ मत लगाइए अफसर, ये कार्ड आपको किसी अमन पसंद शहरी को हाथ लगाने का हक नहीं देता। हम खुद ही आपके साथ चलेंगे। अरे, आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं कि मुझे कमिश्नर साहब के यहां जाना है, वरना मैं कपड़े वपड़े तो ठीक पहन कर आता। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, चुपचाप खड़े रहो। देखिए कमिश्नर साहब, क्योंकि मैं बहुत ही अमन पसंद शहरी हूं, इसलिए आपके रुतबे से इनकार नहीं करूंगा। जेल में रहकर थोड़ा बहुत कानून मैंने भी सीख लिया है। अगर आप मुझ पर शराब पीने का इल्जाम लगाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्टर को जरूर बुला लें। यह है उनका कार्ड और मैं जानता हूं ये मेरा कानूनी हक है। कविन गौतम। अरे वकील साहब, आजकल आपसे बड़ी मुलाकातें हो रही है। अफसोस। तलाशी लो इसकी। आहा, कमिश्नर साहब पहले ये तो बताइए कि मेरा जुर्म क्या है। तुम एक सजा याफ्ता इंसान हो, शक होने पे हम तुम्हारी तलाशी ले सकते हैं, तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। आया समझ में? आया समझ में साहब। शांति के पुजारी के साथ हमेशा यही सलूक किया जाता है। सिर्फ 150 रुपए? इतने बड़े शहर में इतने कम रुपयों से तुम कैसे गुजारा कर सकते हो? क्या ऐसा भी कोई कानून है कि बगैर पैसे के इंसान इस शहर में नहीं रह सकता? नहीं, लेकिन एक सजा याफ्ता इंसान के बारे में हम ये सोच सकते हैं कि अगर उसके पास गुजारे के लायक पैसे नहीं है तो वो चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, पैसों के लिए कोई भी जुर्म कर सकता है। ये भी सही बात है, मगर मैं आपको ऐसा नहीं सोचने दूंगा। पर्स के अंदरूनी जेब में एक स्लिप है, उसे जरा गौर से देखिए। ₹25,000?
इतनी बड़ी रकम कहां से आई तुम्हारे पास? इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। क्यों वकील साहब, आपकी क्या राय है? कानूनी तौर पर इसका जवाब मुझे देना चाहिए? बता दो तो बेहतर है। जैसा कि मैंने कहा, मैं अमन पसंद शहरी, इसलिए लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। 6 दिन पहले कमिश्नर साहब, मैंने अलीबाग में अपनी जमीन और घर भेजा। ये रकम वहीं से आई है। अगर आपको यकीन ना हो तो अलीबाग के रजिस्ट्रार से टेलीफोन करके पूछ लीजिए। और ये ताश के पत्ते, ये क्यों जेब में लेके फिरते हो? ये भी कोई जुर्म नहीं है कमिश्नर साहब, फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। एक बादशाह है, एक बेगम है और एक दुक्की है। बादशाह की शक्ल मैं सुबह उठते ही देखता हूं और बेगम की शक्ल रात को सोने से पहले देखता हूं, और दुक्की सपनों के लिए। अगर तुमने मेरी बीवी और बच्ची पर बुरी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौतम, ऐसा नहीं करते, हटो, याद रखना। गौतम, कमिश्नर साहब, अगर यही बर्ताव मैं आपके ऑफिस में करता तो आप क्या करते हैं? कानूनी तौर पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत चालाक है, उसमें हाथ रखना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सावंत साहब, वरना मुझे एक रिवॉल्वर लेकर 24 घंटे घर पर ही बैठे रहना पड़ेगा। इतना परेशान ना होगा तो मैंने अपने आदमियों से कह दिया है कि तुम्हारे घर की निगरानी रखें और उसे थोड़ा परेशान करें, हो सकता है वो अपने आप शहर छोड़कर चला जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो शहर छोड़कर चला जाएगा। वैसे तुम्हारे घर में कुत्ता तो है ना? है तो सही, लेकिन उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सावंत साहब, वो निगरानी के काबिल नहीं। खड़े रहो, बैठ जाओ, अब उठकर खा लो। दीनानाथ, रक्षा, अंजू, बहुत तकलीफ में, जल्दी कुछ करो ना। ठीक है, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूं। कानून अगर इंसान और जानवर में फर्क नहीं समझता मेरा साहब, तो यह कत्ल का केस माना जाता। अभी इसके पेट में इतना जहर है कि 10 इंसानों को मारा जा सकता है। मैंने ही खिलाया था, मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से अब यह बता देना बहुत जरूरी है। आज से 7 साल पहले मैंने एक आदमी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी और उस आदमी को सजा हो गई थी। आज वो आदमी सजा काट कर आया है और मुझे वो सजा का जिम्मेदार समझता है और मुझसे बदला लेना चाहता है।
गोल्डी को क्या उसी ने जहर दिया था पापा? हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं रक्षा को लेकर कुछ दिन के लिए डैडी के यहाँ चली जाती हूँ। नहीं अंजू। क्यों? क्योंकि मैं उस इंसान को किसी भी हालत में ये जाहिर नहीं होने देना चाहता कि हम उससे डरते हैं। तो फिर? डरो मत अंजू, कानून में बड़ी ताकत है। हम कोशिश ये करेंगे कि कानूनी तौर से उसे परेशान करें, लेकिन रक्षा को कहीं अकेले मत जाने देना। बेटे तुम जहां भी जाओगी मम्मी के साथ जाओगी, समझे? जी पापा। यहां क्या कर रहे हो? चने चबा रहा हूं वकील साहब। कहीं और जाकर चबाओ। कमाल है, मेरे ख्याल से आप इस जगह के मालिक तो नहीं? मालिक तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। यह आपकी बदकिस्मती है वकील साहब कि आप मुझे अपना दुश्मन भी नहीं कह सकते। मेरी निगाहों पर आपका कोई जोर नहीं, मेरी मौजूदगी पर आपका कोई जोर नहीं, और मेरी जुबान पर भी आपका कोई जोर नहीं। वैसे आपकी बेटी आपकी बीवी से ज्यादा अच्छी है। हाथ उठाना मुझे भी आता है वकील साहब, मगर उठाऊंगा नहीं, क्योंकि आप दफा नंबर 116 लगा देंगे। देखा आप लोगों ने, एक अमन पसंद शहरी के साथ लोग किस तरह पेश आते हैं। ये वही आदमी है पापा? हाँ, चलो यार। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? उसने कुछ किया तो नहीं था ना? किया नहीं तो कुछ करने के लिए तो हमारा पीछा करता रहता है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा ही पीछा करते हुए यहाँ आया? हो सकता है उससे पहले यहाँ आया हो। तुम मेरी तरफ ही उसकी तरफ। चलो रक्षा। यहां भी आ गए? पीछा करते हुए अगर आप मुझे पकड़ लें तो शायद कोई इल्जाम लग सकता है। यहां तो कोई भी खड़ा हो सकता है। यहां कोई भी जरूर खड़ा हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। क्यों? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी चाहत पूरी होते होते आपके तमाम बाल सफेद हो जाएंगे मिस्टर गौतम मेहरा। आपकी आंखें देखना छोड़ देंगी, आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। मेरा हर कदम आपकी बर्बादी की तरफ उठेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा वकील साहब कि आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और मेरी नजर आपकी बीवी और बच्ची पर होंगी। उस वक्त मैं देखना चाहूंगा कि आपका कानून क्या करेगा। कानून को जो कुछ भी करना है वो उस वक्त नहीं, अब करेगा, इसी वक्त करेगा।
बात अब हाथ से निकलती जा रही है गौतम, किसी वकील ने उसे जमानत पे रिहा करवा लिया। कमाल है, अंजू और रक्षा की जान और इज्जत खतरे में और हम कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों की हिफाजत तो कर सकते हैं लेकिन रघु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो मुझे कानून पर भी शक होता जा रहा है। Come here, gentlemen. Good morning. Good morning. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कमिश्नर साहब कि मेरे क्लाइंट को बेवजह क्यों परेशान किया जा रहा है। पुलिस किसी को बेवजह परेशान नहीं करती जसवंत लाल जी। वाह, बिना वारंट के मेरे क्लाइंट के घर का ताला तोड़कर उसकी तलाशी ली गई, जबरदस्ती पकड़कर यहां बुला लिया गया, दो दो बार सिर्फ शक में उसे अंदर बंद कर दिया गया, उसके घर की बराबर निगरानी हो रही है, पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही है। क्यों कमिश्नर साहब, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपके जिगरी दोस्त मेरे क्लाइंट की मौजूदगी से खौफ खाते। आपके क्लाइंट की मौजूदगी नहीं, इसके इरादे खतरनाक है। इज दैट सो? क्या मेरे क्लाइंट ने ऐसी कोई हरकत की है जो इसके इरादों के बारे में आपके शक की तस्दीक कर सके? एक नहीं, बहुत सी हरकतें की हैं। तो फिर कानून पर भरोसा रखने वाले मिस्टर गौतम मेहरा, आप अदालत में क्यों नहीं जाते? हो सकता है अदालत कोई ऐसा कानून बना दे कि जिसके तहत जुर्म करने पर ही नहीं, जुर्म के बारे में सोचने पर भी सजा दी जा सके। यानी कि आप इस बात को कबूल करते हैं कि आपका क्लाइंट हमेशा किसी न किसी जुर्म के बारे में सोचता रहता है? मैं ऐसी किसी बात को कबूल नहीं करता। और यहां से जाने से पहले मैं एक वार्निंग दे देना चाहता हूं कमिश्नर साहब, आइंदा अगर मेरे क्लाइंट को बेवजह परेशान किया गया तो मुझे आप दोनों को कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। चलो रघु। वकील साहब, आपसे तो मुलाकातें होती ही रहेंगी। गुड डे जेंटलमैन। अजीब मजबूरी है गौतम, अगर कोई शख्स किसी का खून करने के इरादे से शहर में घूम रहा है और हम जानते हैं कि वो खून करना चाहता है, तो भी हम उसका उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो खून ना कर दे। अब मैं क्या करूं? मेरा एक रिटायर्ड दोस्त इंस्पेक्टर खुराना, उसे जासूसी का शौक है, तुम उसे अपना बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते? ये आप कह रहे हैं? कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुझे अपनी हिफाजत के लिए पुलिस की बजाय एक प्राइवेट डिटेक्टिव को रखना पड़ेगा? हम टैक्स किस लिए देते कमिश्नर साहब? गौतम, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस कानून के तहत काम करती है और कानून इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई सबूत नहीं है। मैंने आपसे पहले कह दिया था कि अब मुझे कानून पर शक होता जा रहा है। मेरे ख्याल से खुराना, औरत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छी बात है। हेलो पापा। हेलो बेटे, हाउ आर यू? फाइन। बेटे, ये तुम्हारे अंकल खुराना है। हेलो अंकल। नाइस मीटिंग यू। आपका नाम क्या है? रक्षा मेहरा। बड़ा प्यारा नाम है। आप चॉकलेट खाती हैं? जी हाँ। लीजिए। अंकल, आप अभी भी चॉकलेट खाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ बेटी, लेकिन मेरी एक तुम्हारे जैसी छोटी सी बेटी है, उसके लिए रोज रिश्वत ले जानी पड़ती है मुझे। वो क्या अंकल? बेटे सुनो, मुझे अंकल से बहुत जरूरी काम है, तुम जाकर मम्मी से बात करो। अच्छा, ओके, बाय अंकल, बाय। बाय। हाँ खुर, मैं ये कह रहा था गौतम कि अगर उसकी कमजोरी वाकई औरत ही है तो समझो चुटकी बजाते ही बम्बई शहर से उसका पत्ता गुल। खुराना, तुम अगर ऐसा कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। डोंट बी सिली गौतम, ऐसे काम तो मैं रोज करता हूँ। मैं कल एक प्लान बनाऊंगा, परसों अपन दोनों साथ में बैठकर उसको फाइनल कर लेंगे, और तरसों समझ लो रघु बम्बई से बाहर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसा नहीं, खाना खा के जाओ। नहीं, खाना भी नहीं खाएंगे, मेरी बीवी 10 साल शादी के बाद आज भी खाना अकेले नहीं खाती। अच्छा, मैं चलता हूं। थैंक्स। गौतम, इस घर में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, मुझे कुछ जानने का हक है कि नहीं? अंजू, मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया, अगर कभी कुछ छुपाया है भी तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिल में किसी किस्म का डर ना बैठ जाए,
इसका मतलब है तुम्हारा कानून, तुम्हारे कानून की ताकत, और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। जब तक हम एक हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अंजू। बार-बार पीछे क्यों देख रही हैं? आप बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं? आप हैं ही देखने लायक चीज, और फिर थोड़ी ही देर में मैं आपको बहुत करीब से देखने वाला हूं। 312, हाँ, दिस इज द रूम। सुनो रजनी, आप अंदर चलिए, मैं अभी आया। जल्दी आना। यस प्लीज। पुलिस, वो आदमी जो अभी ऊपर गया है कौन से कमरे में है? 312। 312, अच्छा। हेलो, कोलाब पुलिस स्टेशन, आप कौन? इंस्पेक्टर पांडे बोल रहे हैं? मैं खुराना बोल रहा हूँ, होटल संगम से। ये रघु यहाँ पे रूम नंबर 312 में है, और उसके साथ एक लड़की है। अगर आप लोग चाहें तो कोई ना कोई चार्ज लगा सकते हैं उस पर। हाँ, जितने जल्दी आप लोग आ जाएं उतना ही अच्छा होगा। हेलो गौतम, मैं खुराना बोल रहा हूँ।
हाँ बोलो खुराना, क्या बात है? तुम यहाँ होटल संगम जल्दी चले आओ, अपना काम बन गया। काम बन गया? तुम फौरन चले आओ क्योंकि पुलिस भी जल्दी आने वाली। लेकिन इतनी रात को अंजू और रक्षा को अकेले छोड़कर कैसे आऊँ? अरे यार, तुम्हारे घर के पास एक थिएटर है ना, उन दोनों को नाइट शो में बिठा दो, भीड़ में रहेंगे तो खतरे की कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं उन दोनों को छोड़ आता हूँ। कितने पैसे लिए उसे? किससे? जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा। तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं समझी नहीं। खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। पुलिस, पुलिस, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए। तुम उधर देखो। साहब, इधर तो नीचे जाने की सीढ़ियां भी हैं। मैडम, उसने तो लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा है, कुछ बोलती नहीं। आप अंदर जाइए। I'm very sorry, Rajni. सॉरी रजनी, मैं माफी चाहता हूं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी खुराना साहब। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये बताओ, उसने तुम्हें इस तरह से मारा क्यों? इसलिए कि उसे पता चल गया था कि आपने मुझे यहां भेजा है। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है तभी तो उसने मेरी यह हालत बना रखी है, ताकि आप दोबारा किसी भी लड़की को उसके पास ना ले जा सके और मेरी जुबान पर उसका नाम कभी भी ना आए। वो साला इतनी आसानी से नहीं बचेगा। रजनी, तुम मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट लिखवा दो। मैं उस हरामजादे को कम से कम 6 महीने के लिए अंदर करवा दूंगा। 6 महीने के लिए? खुराना साहब, 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद फिर क्या होगा? मेरी एक अंधी माँ है और 2 छोटे-छोटे से बहन भाई, और मेरी एक छोटी सी बच्ची है 6 महीने की, और उसे सब कुछ पता है। उसे कैसे पता चला? उसे पता चल गया, उसने मुझसे सब कुछ बुलवा लिया, सब कुछ बुलवा लिया। उसे ये भी पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। उसने उसने मुझसे सब कुछ पता कर लिया है। तुम फिक्र मत करो रजनी, पुलिस तुम्हारे साथ है, कानून तुम्हारे साथ है। पुलिस और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो मेरा सारा का सारा खानदान बिगाड़ सकता है, उजाड़ सकता है।
लियो, आप एक टैक्सी मंगा सकते हैं? जी हाँ, पीछी स्टेशन जाना। थैंक यू। रजनी, इस तरह का जानवर आजाद नहीं होना चाहिए। अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो कल वो किसी और पर हमला करेगा। अपनी खातिर ना सही, कम से कम किसी और की खातिर पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट लिखवा दो। खुराना साहब, आज के बाद उसका नाम मेरे ऑटो पे कभी नहीं आएगा। गौतम, बात यह है कि ये लड़की इतनी ज्यादा घबरा गई है कि रघु का नाम लेने से बिल्कुल मना कर दिया इसने। फिर भी एक बार बात करके देखते हैं इससे। रजनी, ये है मिस्टर गौतम मेहरा। इन्हीं की बेटी के बारे में मैंने तुमसे बात की थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्या तुम अपना इरादा नहीं बदल सकती? सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये प्लान तो फ्लॉप हो गया गौतम। मैंने सोचा था रघु लड़की के साथ कमरे में पकड़ा जाएगा तो पुलिस को एक अच्छा बहाना मिल जाएगा उसे गिरफ्तार करने के लिए। खैर, अब तो एक ही रास्ता बचा है, भाड़े के गुंडे लाकर इस आदमी को पिटवा दिया जाए। क्या बात कर रहे हो खुराना? मैं एक वकील हूं। तुमने रजनी की सूरत अच्छी तरह देख ली है ना? रघु इंसान नहीं है गौतम, वो एक जानवर है और इस जानवर से जानवर बनकर ही लड़ा जा सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। Hi Raksha. Hi. Hi Reshma. How are you? I'm fine. Thank you. और कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी लगी। मेरी ये हो गई पांचवी छठी होगी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। छुट्टियां कैसे गुजर रही है? कितनी पिक्चर देखे महीने में? महीने में यही कोई पांच। चलो 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 चलो, क्या कर रहे हो? चलो, बाय रक्षा। बाय, सी यू। अच्छी लगी। We'll be right back.
मम्मी बस मम्मी बस बेटी वो पीछे आया था मम्मी भागे मुझे मार डालेगा मम्मी बस पीछे आया था मम्मी बस बेटा मम्मी रक्षा 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 चोट तो नहीं आई? अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने अभी नींद की गोली देके सुला दिया। गौतम कहाँ जा रहे हो? गौतम गौतम ये क्या कर रहे हो? मैं उसे जान से मार दूंगा। गौतम उसने कुछ नहीं किया, उसने रक्षा को हाथ तक नहीं लगाया। तुम उसे मारकर सारी उम्र के लिए जेल जाना चाहते हो? तुम वही करने जा रहे हो जो वो चाहता है कि तुम करो। मैं तुम ऐसे बिल्कुल नहीं करने दूंगी। रुक जाओ नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर रही हूं। हेलो, मैं सावंत साहब से बात कर सकती हूँ? कमिश्नर साहब से? जी हाँ, मैं मिसेस मेहरा बोल रही हूँ। जरा जल्दी बुला दीजिए, बहुत जरूरी काम है। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। जी हाँ, गौतम मेहरा, ये कोई खास बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब मैं ये समझूं कि कानून पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है? नहीं अंजू, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम उसे जान से मार देते तो जानते नहीं क्या होता? तुम्हें फांसी ना सही, उम्र कैद तो हो ही जाती ना, फिर हम दोनों मां बेटी का क्या होता? ये क्यों नहीं सोचते हो तुम गौतम? जब तुम्हें कानून पे विश्वास था तब तुम्हें हम दोनों की कोई फिक्र नहीं थी। अब जब विश्वास नहीं रहा तब भी तुम्हें हम लोगों की कोई फिक्र नहीं। हालात का तर्जुमा इस तरह मत करो अंजू कि मुझे अपने आप से नफरत होने लगे। आज से पहले जो कुछ करता था वो भी तुम दोनों की खातिर, और आज भी जो कुछ करने जा रहा था वो भी तुम दोनों के लिए। आखिर वो चाहता क्या है? उससे मिलकर पूछते क्यों नहीं? वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। वो यही चाहता जो मैं भी करने जा रहा था, ताकि मैं किसी जुर्म में फंसूं और वो तुम दोनों को। हो सकता है वो कुछ पैसे लेकर ये शहर छोड़ दे। उससे मिलकर बात तो करो गौतम। बहुत पसीना आ रहा है वकील साहब। 7 साल तक हमने भी बहुत पसीना बहाया, सरकार के लिए पेड़ काटते हुए, कड़कती धूप में पत्थर तोड़ते हुए। तुम्हें कितनी रकम चाहिए रघु? वेटर। यस सर। मेरे अमीर दोस्त दुबई से आए हैं, एक डबल स्कॉच ले आओ। ओके सर। मैंने पूछा तुम्हें कितनी रकम चाहिए। मेरे जेल जाने के बाद दुनिया कितनी अच्छी हो गई है। 7 साल सजा काटने के बाद एक मुजरिम जेल से बाहर निकल कर आता है, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता है, और शहर का एक नामचीन वकील, कानून का रखवाला, उस मुजरिम को पैसे देकर मदद करना चाहता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। किसी इंसान की जवानी के 7 सालों की क्या कीमत लगाओगे वकील साहब? सोचना पड़ेगा, बैठ के हिसाब किताब करना पड़ेगा। 1,00,000 रुपया, 50 अभी, 50,000 अगले साल, बशर्ते कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। अगर मैं आपकी ये शर्त ना मंजूर करूं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। खून कर देंगे? पैसा वैसा समझे वकील साहब, ये बात असली है, खून वाली बात। 7 साल तक मैं जेल के अंधेरी कोठरी में हर रात एक आदमी का गला दबाता रहा, उसे जान से मारता रहा।
लेकिन जेल से निकलने के बाद मैंने सोचा गला दबाकर जान ले लेना बहुत ही आसान मौत होगी, इसलिए मैंने फैसला किया मैं आपको इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी 7 साल तक हर पल हर घड़ी मरता रहा हूं। और उन 7 सालों में उस मासूम लड़की पर क्या गुजरी उसके बारे में तुमने कभी कुछ सोचा? अफसोस, हर पल मरने के बाद भी आज तुम जिंदा हो। जिंदा तो मैं इसलिए हूं वकील साहब क्योंकि आपकी बेटी रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ रक्षा के पीछे है। गौतम वो बहुत चालाक आदमी है, वो अच्छी तरह जानता है कि रक्षा को हाथ भी लगाएगा तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेगी। नहीं नहीं अंजू, वो गिरफ्तार नहीं होगा। क्या मतलब? कानून मर गया, पुलिस हो रही है क्या? अंजू देखो, अगर अगर वो रक्षा को, मेरा मतलब है अगर वो अपने इरादे में पूरा हो भी जाए तो गिरफ्तार जरूर हो जाएगा, लेकिन लेकिन वो अपना जुर्म कबूल तो नहीं करेगा, हमें उसे साबित करना पड़ेगा। तुम नहीं जानती अंजू कि अदालत में ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है जो तुम और हम बेडरूम के अंधेरे में ऐसी बातें बोलना और सुनना तक पसंद नहीं करते। वो अच्छी तरह जानता है ना तो हम अदालत चाहेंगे और ना ही रक्षा उन सवालों का जवाब दे पाएगी। इसका मतलब है इस डर से मुक्ति पाने का कोई तरीका ही नहीं है? एक तरीका है। मिसेस मेहरा बोल रही हैं आप? कौन बोल रहा है? वही जिसको अभी अभी आपके पति के भेजे हुए गुंडों ने जान से मार डालने की कोशिश की। खैर छोड़िए इन बातों को, आपकी आवाज सुनने की मुझे बड़ी तमन्ना थी। चेहरा और बदन जितना खूबसूरत है उतनी ही सुरीली आवाज है आपकी। इस सुरीली आवाज को मैं एक दिन बहुत करीब से सुनने की तमन्ना रखता हूँ मिसेस मेहरा। बंद करो ये बकवास। ओ वकील साहब, आपके मेंढक आए थे, 3 तो भाग गए मगर एक हॉस्पिटल में है और उसने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दे दी है। ये जुर्म करके आपने कानून को मेरी गोद में डाल दी है और यही मैं चाहता था। अब आप जेल में होंगे और आपकी बीवी और बच्ची उस खेल में होंगी जो मैं उनके साथ खेलूंगा। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ड्रीम। और क्या करता अंजू, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। अब क्या करोगे? अब क्या करना है, जब लड़ाई शुरू हो ही गई है तो खत्म भी होगी। अंजू एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में
कुछ भी सोचना, मगर ये कभी मत सोचना कि मेरे जीते जी तुम पर कोई आज भी आएगी। हाँ जो साहब, कमिश्नर साहब आए। ठीक है, हेलो गौतम। हेलो समन साहब, आज पहली बार लग रहा है कि घर पे एक दोस्त नहीं बल्कि एक पुलिस कमिश्नर आया है। अगर जाती तौर पे मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले लेता तो इस वक्त तुम अवालात में होते। फिर भी जब तक तुम्हारी जमानत नहीं हो जाती तुम अपने आप को हिरासत में ही समझो। एक पुलिस कमिश्नर जो दोस्त भी है उसे और ज्यादा क्यों उम्मीद की जा सकती है। बस एक मेहरबानी और चाहता हूं। एक दोस्त से या पुलिस कमिश्नर से? दोनों से। मैं चाहता हूं कि आप रघु को किसी बहाने एक घंटे के लिए उलझाए रखिए ताकि मैं रक्षा और अंजू को बोट हाउस लेक तक छोड़ाऊं। गौतम, यहां तो फिर भी हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल सुनसान जगह है, रघु ने वहां भी ढूंढ सकता है। ढूंढ तो सकता है लेकिन जब मैं चाहूंगा तब। तुम्हारे इरादे खतरनाक लगते हैं। ऐसा लगता है कानून से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। कानून और कानून के रखवालों से मेरा विश्वास उठ चुका है और अगर मुझे किसी पर विश्वास है तो सिर्फ अपने आप पर। एक वकील के मुंह से ऐसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते। पुलिस वाले जब एक मुजरिम को गिरफ्तार करते हैं तो तुम जैसे वकील कानून की नरमी का फायदा उठाकर उसे बचा लेते हैं, इसलिए कि तुम लोगों की नजरों में वो मुजरिम सिर्फ एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट कानून में अगर इस किस्म के उलझाव ना होते तो रघु जैसा बदमाश ना होता, और अगर होता तो हम उसे पनपने नहीं देते। खुराना, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए, सुनो। प्लान ये है कि जैसे मैं 14 तारीख की सुबह महाबलेश्वर पहुंचूंगा तुम्हें टेलीफोन करूंगा, तुम सीधे मेरे घर जाना, वहां से एक बैग लेना और महाबलेश्वर बोट हाउस लेक के लिए रवाना हो जाना। ओके, राइट। डेफिनेटली रघु तुम्हें फॉलो करेगा। 15 तारीख को मुझे बॉम्बे कोर्ट में हाजिर होना है रघु वाले केस में। महाबलेश्वर से पुणे एयरपोर्ट का 3 घंटे का रास्ता है, रघु मेरा वहां भी पीछा करेगा। जब मैं काउंटर से बॉम्बे की टिकट खरीदूंगा तभी मैं 16 तारीख की वापसी की टिकट भी खरीद लूंगा। क्यों? रघु डेफिनेटली ये भी जानने की कोशिश करेगा कि मैं वापस कब आ रहा हूं, और उसे ये खबर मिलेगी कि मैं दूसरे दिन यानी कि 16 तारीख की सुबह वापस आ रहा हूं। राइट राइट। लेकिन मैं कोर्ट में अपना काम खत्म करके उसी शाम को अपनी गाड़ी से महाबलेश्वर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये तो तब मुमकिन है जब फैसला तुम्हारे हक में हो। वो तुम मुझ पे छोड़ दो खुराना। हाँ, जो मैंने तुम्हें काम बताया था वो हो गया? हाँ, मैंने जेल जाकर पता लगाया, तुम्हारा शक सही था। इसका मतलब है तुम अपनी बीवी और बेटी को बकरी की तरह पेड़ से बांध के मचान पे बैठो। अंजू, अंजू पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उसकी कोशिश यही थी कि हम बर्दाश्त के हद से बाहर आकर कोई ऐसी गलती करें जो कानून के खिलाफ हो, और वही हुआ। हम उसके इरादे से वाकिफ हैं और अब हमारी यही कोशिश है कि उसको यकीन हो जाए कि आप और रक्षा बोट हाउस लेक पर अकेले हैं और वो अपना इरादा पूरा कर सकता है। सिर्फ इतना कि खुराना और मैं वहां छुपे होंगे और उसके इरादे को पूरा नहीं होने देंगे, लेकिन तब तक उसने वो गलती कर ली होगी जिससे तुम उसे गोली मार सकोगे, है ना? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन वो गोली एक मासूम की जान और इज्जत बचाने के लिए होगी, एक खतरनाक जानवर को रोकने के लिए होगी और कानून की तरफ से होगी।
घबराने की कोई बात नहीं, खुराना तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी देखभाल करेगा, और वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गाड़ी लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाऊं। और सुनो, जाने से पहले एक और काम करते जाओ। क्या? मुझे माफ करते जाओ, इतने दिन तुम मेरी और रक्षा की हिफाजत की फिक्र में थे और मैं तुमसे अलग होने की फिक्र में थी, तुमसे दूर जा रही थी। अब कहाँ हो, दूर या पास? पास, और पास आने की इजाजत चाहती हूँ। एक नूर से हूँ लज़्ज़ते गिरिया से भी महरूम, गौतम मेहरा साहब की वापसी फ्लाइट कब है? तुम कौन हो? जी मैं उनका ड्राइवर हूँ, मैं पूछना भूल गया और वो बताना भूल गए। वो आज नहीं, कल सुबह की फ्लाइट से वापस आएंगे। धन्यवाद जी। रोनर, एक कानून जानने वाले का मुजरिमों के कटहरे में खड़ा होना इस बात का सबूत है कि कानून में बहुत सी कमजोरियां हैं। मैंने रघुवीर सिंह नाम के एक इंसान को गुंडों से पिटवाया, इस बात से इनकार नहीं करूंगा और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। मैं अदालत से अपनी सफाई के लिए 2 गवाह पेश करने की और उनसे पूछताछ करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है एडवोकेट जसवंत लाल। मैं कसम खाकर कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जसवंत लाल जी, आप मुझे कब से जानते हैं? तकरीबन 8 साल से। आपको याद होगा आपने एक बार मेरे लिए मेरी गैर हाजिरी में एक केस लड़ा था। जी जी हाँ। कब? कोई 4-1 महीने पहले, 9 अक्टूबर को। क्या बना उस केस का? फैसला हमारे खिलाफ हुआ था। क्या इस वजह से मैंने आपको बुरा भला कहा? जी हाँ, आपने मेरी बेइज्जती की, मुझे ह्यूमिलिएट किया। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसी बेइज्जती की वजह से मैं रघु का केस लड़ रहा हूं तो आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रघु खुद अपना केस लेकर मेरे पास आया था, मैं नहीं गया था रघु के पास केस लेने। आप रघु से कब मिले? उसी रोज, जिस रोज कमिश्नर साहब से कहकर आपने उसे गिरफ्तार करवाया था।
15 जनवरी को। Are you sure? क्या आपका पूरा यकीन है? Of course. आपको शक है? आप शायद भूल रहे हैं वकील साहब कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है, और आप शायद ये भी भूल रहे हैं कि मैं भी वकील हूं। That's all your honor. मेरा अगला गवाह है जेलर इकबाल सिंह। मैं जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जेलर साहब, रघु जेल से कब छूटा? 30 दिसंबर को। आप इस आदमी को पहचानते हैं? जी हाँ। इसे आखिरी बार आपने कब देखा? 30 दिसंबर की सुबह। कहाँ? जेल में। क्या वो आदमी इस वक्त इस अदालत में है? जी हाँ। बताइए कौन है वो? वो योर ऑनर, आज से 7 साल पहले इस विटनेस बॉक्स में खड़े होकर मैंने जो कुछ भी रघुवीर सिंह के खिलाफ कहा था वो सच था, लेकिन उस सच ने रघुवीर को मेरा दुश्मन बना दिया। जेल से रिहा होकर उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, मेरी बीवी मेरी बेटी को डराना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे वो कानूनी गिरफ्त में आ सकता, क्योंकि मिस्टर जसवंत लाल ने उसे कानूनी दांव पे सिखा दिया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे हम पेशा दोस्त इस तरह के ताने बाने बुनकर अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दा डाल नहीं रहा योर ऑनर, बल्कि पर्दा हटा रहा हूं उस राज का जिसके तहत मिस्टर जसवंत लाल 30 दिसंबर को रघु से मिलने जेल में गए थे और उसे मेरे खिलाफ उकसाया था, क्योंकि मिस्टर जसवंत लाल को मुझसे बदला लेना था, उस बेइज्जती का बदला जो मैंने गुस्से में आकर की थी मुकदमा हार जाने पर। योर ऑनर, जब मेरी बेटी मेरी बीवी दोनों की जान दोनों की इज्जत खतरे में थी, तब कानून मेरे सामने एक ऐसे अंधे इंसान की तरह खड़ा था जो बिना किसी सहारे के चल नहीं सकता था, और मेरे पास उसे हरकत में लाने का उसे चलाने का कोई सहारा नहीं था, कोई तरीका नहीं था। कानून मजबूर होकर अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन मैं उस मजबूरी को कबूल नहीं कर सका योर ऑनर, क्योंकि मेरे अंदर एक इंसान है, एक वकील है, और कानून के अंदर सिर्फ लफ्ज लफ्ज और लफ्ज हैं। एक वकील होकर मैंने कानून की हार तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका योर ऑनर, क्योंकि जिन हालात ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया है उन्हीं हालात ने कानून के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कानून जुर्म होने के बाद उसे साबित करने और सजा देने के लिए है? क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम जुर्म होने से पहले जुर्म करने वाले को उसकी नीयत को उसके इरादे को पहचान सकें, ताकि इंसानी जिंदगी को सजा नाम की हकीकत से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए? That's all, Your Honor. मिस्टर गौतम मेहरा की जाति रेपुटेशन को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत उन्हें 2000 रुपए नगद जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। देखा गौतम, आत्मविश्वास में कितनी ताकत है। अगर तुम सब्र और धीरे से काम लेते तो क्या नहीं कर सकते थे। फिर भी मुझे कोई गम नहीं सान साहब, अगर मुझे दोबारा कभी रघु जैसे हैवान के खिलाफ गवाही देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जहां तक सच्चाई इंसाफ और इंसानियत का सवाल है, मैं उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं।
मिसेस गौतम मेहरा, मैंने कहा था ना किसी दिन बहुत नजदीक से मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा, याद है? खुराजा, अंजू, रक्षा। जी पापा। मम्मी कहाँ है? मम्मी हाउसबोट में है। रक्षा, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया था, दूर रहो मुझसे। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर किया तो मेरे अंदर का शैतान जाग उठेगा और तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी। अगर तुमने रक्षा को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम दोनों मां बेटी मिलकर मेरे हाथ की मुट्ठी भी नहीं खोल सकती। एक सौदा कर लो तो तुम्हारी बेटी बच सकती है। क्या? तुम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मेरी बात मान लो, तुम्हारी बेटी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरे लिए इतनी तसल्ली है कि गौतम मेरा जिंदगी भर मुझे याद करता रहेगा। और अगर तुम्हारे अंदर नाम का जुनून हो तो मेरे जाने के बाद खुदकुशी कर लेना, झील में पानी बहुत है। आज अंजू, अंजू, गौतम, रक्षा वो है तो ना, रक्षा के पीछे मुझे कुछ नहीं हुआ। Yeah.
कानून की नहीं, पिस्तौल की है। चलाओ गोली। तुम इतनी आसानी से मरना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा, ताकि कानून तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल कर सके, तुम्हारी खिदमत कर सके, ताकि तुम कभी जिंदगी में यह ना कह सको कि कानून क्या करेगा। यह अदालत रघुवीर सिंह व परमवीर सिंह को रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर खुराना की हत्या करने के जुर्म में जेर दफा 302 ताजिरात हिंद के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है।